बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो देखते हैं कि आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया रेडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ सिक्स हंड्रेड ईयर्स फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स यानी अगर उसकी हाफ लाइफ सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स है तो फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स के बाद कितनी अमाउंट रेडियम की बच जाएगी पार्ट बी में आपसे कहा गया हाउ मेनी हाफ लाइव डज इट है टोटल टाइम 9600 इयर्स गुजरे तो रेडियम की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करके देखते हैं पार्ट ए में जो आपको हाफ लाइफ दी गई है रेडियम की वो है 1600 हंड्रेड ईयर्स तो हम वन बाय वन देखते हैं कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी देन सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो रेडियम का कितना अमाउंट डिके हो जाएगा फ्रैक्शन जो उसका डिके होता है आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आप जानते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया की हाफ अमाउंट डिके हो जाए और हाफ अमाउंट बच जाए सो so जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो रेडियम का वो फ्रैक्शन जो डिके होगा वो है वन बाय टू यानी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियम विल डिके अब जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये जो हाफ अमाउंट उसकी है इसका फर्दर हाफ क्या हो जाएगा डिके हो जाएगा सो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ वो फ्रैक्शन जो डिके होगा वो है हाफ ऑफ दिस अमाउंट विच इज वन बाय फोर अब जरा आप देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकेंड हाफ लाइफ में टाइम कितना गुजर रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ तो ऑब्वियसली 1600 हंड्रेड है सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब है कि आप इसको डबल कर दें जब आप इस नंबर को डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 3200 टू हंड्रेड ईयर्स यानी सेकेंड हाफ लाइफ विच मींस थर्टी टू हंड्रेड ईयर्स इस टाइम के बाद रेडियम का वन बाय फोर फ्रैक्शन डिके हो चुका होगा अब देखते हैं कि थर्ड फ्रैक्शन यानी जो थर्ड हाफ लाइफ है उसमें जो फ्रैक्शन डिके होगा वो कितना होगा वो फ्रैक्शन जो थर्ड हाफ लाइफ के बाद डिके होगा वो इस सेकेंड हाफ लाइफ वाले फ्रैक्शन का फिर फर्दर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा सो वन बाय टू ऑफ वन बाय फोर इट विल बी वन बाय एट अब अगर आप टाइम देखें तो जो थर्ड हाफ लाइफ है वो ऑब्वियसली थर्टी टू हंड्रेड ईयर्स में आप अगेन हाफ लाइफ का टाइम एड करेंगे तो इट विल बी फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स और आपसे उसने पार्ट ए में यही पूछा कि फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन बच जाएगा हमने ये जो फ्रैक्शन तीन लिखे हैं ये वो फ्रैक्शन हैं जो डिके हो जाएंगे यानी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे सो फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स के बाद जो फ्रैक्शन डिके होगा वो है वन बाई एट अब अगर आप इन तीनों फ्रैक्शन को एड करते हैं तो आपको मिलेगा वो टोटल अमाउंट जो डिके हो चुका होगा फर्स्ट जो फ्रैक्शन था वो था वन बाय टू सेकेंड था वन बाय फोर और थर्ड है वन बाय एट ये तीन हाफ लाइफ गुजरने के बाद डिके हुए सो जो टोटल फ्रैक्शन डिके होगा आफ्टर थ्री हाफ लाइफ वो इन तीनों फ्रैक्शन का सम होगा दैट इज वन बाय टू प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इट विल बी सेवन बाय एट इसका मतलब रेडियम का सेवन बाय एट फ्रैक्शन डिके हो चुका होगा अगर आपने इसको परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंट डिके हो चुका होगा तो उसके लिए आप सेवन बाय एट को सिंपली हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट विच मीन्स के रेडियम का एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट जो अमाउंट है वो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में डिस इंटीग्रेट हो जाएगा डिके हो जाएगा आपने फाइंड करना है फ्रैक्शन आफ्टर अगर ये वो फ्रैक्शन है जो डिके हुआ तो वो फ्रैक्शन जो बच गया होगा वो कितना होगा ऑब्वियसली क्योंकि आपने परसेंटेज में आंसर निकला है तो हम जो टोटल अमाउंट होगी रेडियम की उसे कंसिडर करेंगे कि वो हंड्रेड परसेंट थी और हंड्रेड परसेंट में से एवन पॉइंट फाइव परसेंट डिके हो गया तो बच कितना जाएगा दैट इज 12.5 परसेंट सो तीन हाफ लाइफ गुजरने के बाद 87.5 परसेंट टोटल डिके हो जाएगा और जो फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा दैट विल बी 12.5 परसेंट यह था पार्ट ए जबकि पार्ट बी में उसने आपसे यह पूछा है कि अगर टोटल टाइम 9600 सिक्स का गुजरा है तो फिर आप ये बताओ रेडियम की अगर ये हाफ लाइफ है तो फिर कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी 9600 इयर्स के अंदर? इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है और वो ये फार्मूला है दैट इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ यानी आपको जितना भी टाइम दे दिया जाए अगर आप उसे हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो जो एन की वैल्यू आती है वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को अभी आपको जो टोटल टाइम दिया गया है दैट इज 9600 सिक्स ईयर्स और जो रेडियम की हाफ लाइफ आपको दी गई है दैट इज 1600 हंड्रेड ईयर्स तो सिंपली आप इन दोनों टाइम को डिवाइड करेंगे दैट इज 9600 डिवाइडेड बाय 1600 हंड्रेड तो इट विल बी सिक्स सो एन की जो वैल्यू है दैट इज सिक्स इसका मतलब है रेडियम की जब सिक्स हाफ लाइफ गुजरेंगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड कितना गुजरा होगा 9600 सिक्स हंड्रेड ईयर्स यानी नाइन्टी सिक्स हंड्रेड ईयर्स में रेडियम की सिक्स हाफ लाइफ क्रॉस कर चुकी होंगी ये था आपका सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेडियम से ही रिलेटेड है इसमें आपसे कहा गया रेडियम हैज हाफ लाइफ ऑफ अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स इफ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म फाइव बिलियन और मोर ईर्स अ गो वाई इज देयर एनी रेडियम लेफ्ट नाउ वो ये कह रहा है कि अगर रेडियम की हाफ लाइफ सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स है और अर्थ को बने हुए अब तक फाइव बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं स्टिल अगर हम अर्थ में सर्च करें तो अर्थ के अंदर सॉइल के अंदर हमें रेडियम नेचुरली मिलता है ये कह रहा है कि क्यों मिलता है जबकि फाइव बिलियन ईयर्स के बाद तो इसे खत्म हो जाना चाहिए था सो डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कंप्लीट डिके के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है इन्फिनिट टाइम या आपने जब लेक्चर्स पढ़े थे हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तो वहां पर भी आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर कंप्लीटली खत्म होना है तो उसके लिए टाइम कितना चाहिए इंफिनिट टाइम चाहिए जबकि अर्थ को बने हुए कितना टाइम हुआ है दैट टाइम इज फाइव बिलियन ईयर्स ये कोई इन्फिनिट टाइम नहीं है अगर ये इन्फिनिट टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर रेडियम भी कंप्लीट डिके नहीं होगा रेडियम की कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिलती रहेगी अनटिल अनलेस हम इन्फिनिट टाइम तक नहीं पहुंच जाते सो so, आप कहेंगे कि कंप्लीट डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिक्वायर एन इन्फिनिट टाइम बट द एज ऑफ अर्थ इज फाइव बिलियन ईयर्स ट टाइम देआर फोर रेडियम एग्जिस्ट ऑन अर्थ अगर इसने खत्म होना है तो अर्थ की जो टाइम की वैल्यू है उसे फिर इनफिनिट होना पड़ेगा जो कि ऑब्वियसली अभी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट देखते हैं दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टू जनरेट स्टीम टू रन स्टीम टर्बाइन जनरेटर हाउ डज द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस हीट जब आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था कि फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम के थ्रू आप कोर के अंदर हीट एनर्जी जनरेट करते हैं और एक यूरेनियम एटम अगर डिके होता है तो ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती थी फिर आपको ये भी बताया गया था कि कोर के अंदर जो कूलेंट होता है वो हैवी वाटर होता है अब जब ये इतनी हीट जनरेट होती है तो हैवी वाटर इस हीट को कंडक्ट करते हुए हीट एक्सचेंजर के अंदर लेकर जाता था हीट एक्सचेंजर के अंदर नॉर्मल वाटर था जब ये कूलेंट यानी हैवी वाटर पाइप्स में मूव करता है और जो नॉर्मल वाटर है उस तक हीट कंडक्ट होती है तो नॉर्मल वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जब नॉर्मल वाटर इन हीट एक्सचेंजर बॉयल होता है तो जनरेट होती है स्टीम और ये एक ह्यूज स्टीम होती है इस स्टीम का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है आप उस प्रेशर को फिर टर्बाइन तक ट्रांसमिट करते हैं जब वो प्रेशर टर्बाइन को हिट करता है तो ऑब्वियसली फिर टर्बाइन मूव करना स्टार्ट कर देती है सो बेसिकली इसमें कोर से हीट एक्सचेंजर एंड देन हीट एक्सचेंजर से फर्दर टर्बाइन की तरफ आप हीट को मूव करवाते हैं अब इस सारे प्रोसेस में उसने आपसे यही पूछा कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम टरबाइन मूव करती है तो आप बताएं कि ये हाउ डज द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट तो इसमें मैंने आपको बताया किसका फिशन होगा यूरेनियम टू का उसके फिशन से क्या जनरेट होगी हीट एनर्जी जनरेट होगी कूलेंट विच इज है वाटर वो इस हीट एनर्जी को कंडक्ट करेगा टूवर्ड्स द हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर में होगा नॉर्मल वाटर वो बॉयल करेगा और स्टीम को जनरेट करेगा इस स्टीम के प्रेशर से फिर टर्बाइन मूव करेगी सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट फिशन ऑफ यूरेनियम 235 विद स्लो न्यूट्रॉन रिलीजेज अबाउट 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एक यूरेनियम अगर डिके होता है या एक यूरेनियम का अगर फिशन होता है तो 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और अगर आप उसके कोर के अंदर जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो वन ग्राम ऑफ यूरेनियम है तो वन ग्राम ऑफ यूरेनियम के अंदर एक नहीं बल्कि टेन टू पावर नाइनटीन एटम्स होते हैं यूरेनियम टू थर्टी फाइव के अब यूरेनियम टू थर्टी फाइव का एक एटम टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है तो टेन टू पावर नाइनटीन एटम्स ऑब्वियसली एक ह्यूज एनर्जी की अमाउंट को जनरेट करेंगे और वो एनर्जी कितनी होगी सिंपली आप 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टेन टू पावर नाइनटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी टू हंड्रेड टेन टू पावर नाइनटीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये रिलीज एनर्जी कोर से कूलेंट विच इज वाटर उसके थ्रू कैरी की जाती है टूवर्ड्स द हीट एक्सचेंजर और हीट एक्सचेंजर में मौजूद नॉर्मल वाटर बॉइल होकर क्या जनरेट करता है स्टीम और इस स्टीम के प्रेशर से फर्दर टरबाइन को मूव किया जाता है ये वो सारा प्रोसेस है जो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा था और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड है इसमें आपसे ये पूछा गया फैक्टर मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव यानी फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल क्यों होता है इसकी फर्स्ट बेसिक रीजन ये है कि जब दो लाइटर न्यूक्लिया आपस में फ्यूज किए जाते हैं तो उन दोनों न्यूक्लिया पर होता है पॉजिटिव चार्ज सो अगर एक न्यूक्लिया भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव तो इन दोनों को मर्च करना मुश्किल होता है आप सोचेंगे ये क्या मुश्किल बात है एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव दोनों पर आप सिंपली फोर्स लगाएं और मर्च कर दें नहीं ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि दो लाइटर न्यूक्लिया के बीच में एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्सिव फोर्स और इन न्यूक्लिया के बीच में इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ह्यूज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इस ह्यूज टेम्परेचर पर ये लाइटर न्यूक्लिया इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें कि ये उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हुए आपस में मर्ज हो जाए फ्यूजन रिएक्शन हो और हीट एनर्जी रिलीज हो अब वो ह्यूज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है वो ह्यूज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 10 टू पावर 8 केल्विन। ये एक ह्यूज टेम्परेचर है जब इस टेम्परेचर पर एटम्स आते हैं तो वो एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और प्लाज्मा की स्टेट की तरफ चले जाते हैं अब यहां से जो हमें पहली बात पता चली वो ये है कि फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना डिफिकल्ट इसलिए है कि इसके लिए हमें एक ह्यूज टेम्परेचर चाहिए और हमारे नॉर्मल लैब के अंदर इस ह्यूज टेम्परेचर को अचीव करना मुश्किल होता है सो so, जब आपने आंसर करना है तो पहले आप फ्यूजन रिएक्शन को डिफाइन कर दें इन फ्यूजन रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर न्यूक्लिया टूगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फिर आप डिफिकल्टीज लिखें यहां मैंने तीन डिफिकल्टीज को मेंशन किया है पहली क्या है पहली ये है इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई बिकॉज फॉर दिस वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ टेन टू पावर एट कैलविन वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई अब जो सेकेंड पॉइंट है उसमें मैंने आपको यह बताया है कि जब इस ह्यूज टेम्परेचर पर एटम्स एटम्स आते हैं तो वो नॉर्मल की स्टेट में नहीं रहते बल्कि वो आयोनाइज हो जाते हैं और इस आयोनाइज स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट और जब ये इस प्लाज्मा स्टेट में पहुंचते हैं तो इनके लिए जो कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकती क्योंकि इतने ह्यूज टेम्परेचर पर जब प्लाज्मा को रखा जाता है तो जो नॉर्मल मेटल होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है सो so, इस प्लाज्मा को रखने के लिए हमें जो कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं वो स्पेशल एक्सपेंसिव कंटेनर होते हैं सो सेकेंड पॉइंट ये है एट सच हाई टेम्परेचर टेन टू पावर एट कैलविन एटम्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज स्टेट और वो क्या कहलाती है प्लाज्मा to keep this plasma we need special containers phir third point jisme maine ye likha ki jab bhi koi lighter nuclei jisme mostly aap hydrogen nuclei ko discuss karte hain aur usse bola jata hai proton proton cycle ya pp cycle जब कोई भी fusion reaction generate हो रहा होता है तो उसमें जो cyclic process है उस cyclic process की एक long time period requirement होती है सो पी पी साइकल रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जबकि फिशन का प्रोसेस टाइम टेकिंग नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्टर में आप फॉरन ही एनर्जी को अचीव कर लेते हैं सो so, ये वो डिफिकल्टीज थी जो आपको फ्यूजन रिएक्शन को जनरेट करने में फेस करनी पड़ती हैं अब देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर टेन है डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन कुछ तो अभी हमने डिस्कस कर लिए कि फिशन प्रोसेस वो होता है जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी अब इसमें पहले हम सिमिलैरिटीज डिस्कस करते हैं कि ये जो फिशन और फ्यूजन का प्रोसेस हुआ इसमें सिमिलर चीज क्या है बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शन चाहे फिशन था या फ्यूजन था दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व था बोथ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक चाहे फिशन हो रहा हो चाहे फ्यूजन हो रहा हो दोनों ही कोई भी एटमोस्फेयरिक पोल्यूशन जनरेट नहीं करते फिर है बोथ प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर एट लो कॉस्ट ऑब्वियसली दोनों से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो लोअर कॉस्ट की होती है और इसकी मेंटेनेंस आसान होती है फिर देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। अभी मैंने बताया कि फिशन रिएक्शन में हेवियर न्यूक्लिया लाइटर में स्प्लिट होता है फ्यूजन रिएक्शन जो कि एक डिफिकल्ट रिएक्शन है उसमें लाइटर न्यूक्लियाज होकर हेवियर न्यूक्लिया बनाते हैं सो so, पहला डिफरेंस तो आपने यही लिखना है इन फिशन है इन फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई जबकि जो फिशन रिएक्शन है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको याद होगा आपने जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था तो वहां आपने कंट्रोल रॉड्स पढ़े थे सो फिशन रिएक्शन से रिसीव होने वाली एनर्जी की अमाउंट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है या आपकी रिक्वायरमेंट कम है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फ्यूजन रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है उससे कंट्रोल करना मुश्किल होता है सो फ्यूजन रिएक्शन एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है जबकि फिशन रिएक्शन एक कंट्रोल्ड रिएक्शन है और फिशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ऑब्वियसली वो फ्यूजन रिएक्शन के कंपेरेटिवली कम होती है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में जब आप लाइटर न्यूक्लिया को मर्ज करते हैं कुलम रिपलसिव फोर्स को ओवरकम करते हैं तो इस प्रोसेस में आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वर्क अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी फिशन रिएक्शन के कंपेरेटिवली ज्यादा होती है सो डियर स्टूडेंट ये थे आज के फाइव शॉर्ट क्वेश्चन इन आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे टिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज